रायबरेली में दोपहर के बाद घर से लापता हुआ 13 वर्षीय मासूम का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर से 300 मीटर दूर पर पेड़ से लटकता मिला। वहीं घटना की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए पंचनामा की कार्रवाई कर रही थी। घटना कोतवाली क्षेत्र के पूरे फेरू सिंह मजरे पहरेमऊ गांव निवासी श्रीपाल के दो पुत्रों व तीन बच्चियों में सबसे छोटा 13 वर्षीय पुत्र सत्यम दोपहर में खाना खाने के बाद घर से महाराजगंज मार्ग से टेंट की दुकान पर जाने को कहकर घर से निकला, लेकिन शाम तक वह दुकान और घर न पहुंचने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की। खोजबीन कर रहे परिजनों के बच्चे का शव पुत्तन साहू के मील के पास स्थित बाग में चिलवल के पेड़ से रस्सी के सहारे संदिग्ध परिस्थितियों में लटकता मिला। घटना की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना पर कोतवाली प्रभारी श्याम कुमार पाल, चंदापुर चौकी इंचार्ज रामफल मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, घटना स्थल का जायजा लिया और छानबीन शुरू कर दी। बच्चे के पिता ने पुलिस से उसके बच्चे की हत्या की शंका जताई। पुलिस पोस्टमार्टम कराने के लिए शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई कर रही है। मंडल क्राइम ब्यूरो चीफ लखनऊ अंशु श्रीवास्तव।